हो चुके हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, हमारे जिले में आपको उद्यमी को हटाना पड़ेगा या किसी सोनभद्र के उद्यमी को, हमारी जो दो सहयोगी एजेंसियां हैं जिला उद्योग केंद्र और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, इनके द्वारा भी हम उनके डोर स्टेप लोडर एजेंसी और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या, उद्देश्य क्या है, साथियों आप सभी लोग जानते हैं तो हार्डली 1.5% से 2% तक सरकारी कर्मचारी हैं, इससे ज्यादा नहीं है, तो और लोग तकलीफ जो करते हैं, खादी ग्राम उद्योग आयोग नोडल एजेंसी है हमारे ऑफिस उत्तर प्रदेश बड़ा बना, तो जब तक हमारे अंदर एक प्रेरणा खुद की नहीं आएगी कि हमें उद्योगपति बनना है, अनुभूति होती है जब उद्योगपति एक ही होता है। लेकिन माननीय श्री मंचा सिंह जो भी हमारे अतिथिगण हैं उनको मेरा प्रणाम। साथियों मेरी बचपन से ही बट कुछ आर्थिक प्रॉब्लम के कारण हमारे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ा लिखा नहीं पाए ना जितना कि आज की जनरेशन में होना चाहिए, लेकिन हमारी जो मेरे मन में इच्छा थी कि यहाँ पर सर ने मुझे जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए, मैंने फॉर्म भरा, डॉक्यूमेंट्स दिए और डायरेक्ट यहाँ से सीधे बैंक या अलाहाबाद बैंक हमारी फाइल गई, और वहाँ जब फाइल गई तो वहाँ से मैनेजर सर का फोन आया, उन्होंने बोला कि मैं विजिट करूँगा, उन्होंने विजिट किया कि हमारी मतलब लैंड पर्सनल है या रेंट पे है, वो हमारे लैंड पे गए, उन्होंने देखा जाना समझा, उन्हें अच्छा लगा और वो बहुत मोटिवेट हुए, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और बोला कि आपका मतलब लोन सेंक्शन हो जाएगा, और कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चल रहा है कि मेरा लोन सेंक्शन हो गया है और मेरी सब्सिडी भी हमारे खाते में आ गई है। और इसी तरह से जब लोन सेंक्शन हुआ तो हमने मशीन मंगाई और हमारे गांव के जो मतलब लेडीज हैं, लड़कियां हैं जो मतलब बेरोजगार हैं, कुछ लड़के भी हैं उसमें, मतलब 10-20 लोग हैं जिन्होंने मतलब हमारे साथ रहकर काम किया और उन्हीं के सहयोग से आज मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। हमने हमारा फाइल स्वीकृत किया, हम यहाँ 25 लाख के लिए अप्लाई किए, वो अपने तौर बोले कि हमारे प्रिंसिपल 15 लाख हो सकता है, उसके बाद अगर आपको ज्यादा चाहिए तो फाइल आगे जाएगा, फिर स्वीकृत होगा वो आगे ऊपर डिपेंड करता है, तो हमने 15 लाख में ही किया और बकिया बाका जो बकिया पैसा है वो हम अपने हिसाब से उसमें इन्वेस्ट किए, और थोड़ा अनुभव का कमी होने के कारण जो मैंने उद्योग शुरू किया उसमें मैं बहुत बुरी तरह से खराब हुआ, और मशीने लाया मैं भावनगर से जाकर मशीन लाया, जब बिजली कनेक्शन लिया 48 KVA का कनेक्शन लिया था और मशीन लगने के कुछ ही दिन बाद लॉकडाउन लग गया, तो एक बत्ती चले या ना चले लगभग 30 से 32 हज़ार रुपये पर मंथ बिजली का बिल और 22 हज़ार रुपये महीना बैंक का ब्याज, लगभग 1.5 साल तक मैं अपने घर से भरता रहा और मेहनत उसी में मैं अपना करता रहा, लगभग एक दिन में 300 किलोमीटर गाड़ी चलाऊँ और नए कच्चा माल के लिए जहाँ भी जाऊँ जो पुराने खिलाड़ी हैं उनसे 1 रुपया रेट मांगा लेना है और वहाँ पे नकद पेमेंट देना है तब आपको माल मिलेगा, ऐसे सारी समस्याओं को झेलते हुए और एक दिन में जैसे इलाहाबाद जौनपुर और मैं बाइक से लेके अकबरपुर शाहगंज तक एक दिन में सफ़र किया हूँ केवल मार्केटिंग के लिए, और मेरा नए लोगों से ये अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर कोई भी प्रोग्राम देखे कि 50,000 का मशीन लाइए और 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया पर मंथ कमाइए, ये सब चीज़ें बहुत दूर से उसको नकार दे, जब तक कि अपने आप में उसको अच्छे से मार्केट का स्टडी न करें, मशीन कहाँ से मिलेगी, मशीन के बारे में क्या मशीन बिगड़ी तो केवल इंजीनियर ही बनवा सकता है, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, वर्कर हमारा साथ छोड़ रहा है तो मैं उसके अपने मशीन में कितना सहयोग देकर मशीन चला सकता हूँ और सेल्समैन के ऊपर डिपेंड होकर कितना मैं अपना माल बेच सकता हूँ, सारा काम मुझे अपने से करना है। और मेरा लीड उत्सव चला गया और मैं होटल में तो गया लेकिन वहाँ मैं सो नहीं पाया कि मैं कैसे प्रधानमंत्री जी से बात करूँगा, क्योंकि जिंदगी में मैं किसी से बात ही नहीं किया था, मैं स्कूल में प्रार्थना जरा नहीं किया था कभी, मुझे भेजाता था मैं एब्सेंट हो जाता था कि आज मेरा लाइफ नंबर है, तो सर मैं प्रधानमंत्री जी से बात किया और मैं बहुत प्रभावित हुआ। सर मैं कैसे उद्यमी बना थोड़ा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। सर काफ़ी मतलब मैं तो ऐसा गरीबी नहीं देखा जैसा कि मैं मेरे जीवन में गुजरा। सर हम लोग जो केला आता विशेषरगंज में तो उसको खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो जो ट्रक पे टूट जाते हैं जो सस्ते में मिलते हैं
मैंने उसको खरीद करके पका करके, वो भी तो केला अच्छा ही होता है पर टूट जाता है उसमें से, तो उसको मैंने पका पका के गाँव में बेचा जिससे हमको इनकम हो रहा है। और सर बसंत पंचमी पे वो नाग देवता का फोटो का बिकता है, तो मैं बेचा करता था और लोग भी मेरे, मैं जो करता था मेरे साथ के बच्चे भी वही, हम लोग सब भाई थे तो कर रहे थे, तो मैं सोचा कि मैं क्या करूँ, नया क्या करूँ। तो सर हम लोग क्या किए कि हम रात में 2 रुपये काफ़ी करते, पेंट करते 2 रुपये का, और एक दिन पहले ही उसको सबका नाम लिखे गाँव का अगल बगल के लोगों का, और सबके यहाँ दो दो चचर जिसके घर जितने रूम थे उतने फोटो बांट दिए। सोचे कि उस समय पैसे मांगेंगे तो वो नहीं देंगे, बिजी रहेंगे, हो सकता है मना कर दे लेने से, तो हमने नाम लिखा और दे दिया। तो सर सुबह जब हम लोग पूड़ी उड़ी खा लिए, दोपहर में जब सब फ्री हो गया तब जाके कापी लेके सबके यहाँ से उतारा कि आप कैसे 2 रुपये चाहिए, कैसे 4 रुपये चाहिए, तो मैं अच्छा मार्केटिंग कर लिया। और सर अभी कल जूतिया आया, मैं अपने लाइन में छोटे में जब मैं जूतिया का पूजा होता है तो मैं अपने ही गांव में अपने ही लोगों को गुब्बारा बेचा, छोटे बच्चे जाते तो रोते हैं कि नहीं हमको चाहिए हमको चाहिए, तो वहाँ एक अच्छा मार्केटिंग बना जो मैंने किया। और इसमें मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे भैया सब, माता जी सब लोग सहयोग दिए, लेकिन मेरे पटेदार के लोग भी बोले कि ये तो नाम खराब कर रहा है, हम लोग का इज्जत डुबो दे रहा है, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, वही आज हमको इस तरह के उपलब्धियों को हासिल कराने में मुझे मदद किया। कितने लोग आपके साथ काम करते हैं अभी? सर पूर्वांचल में गुड़ गन्ना पहले तो सर पहले बहुत ज़्यादा होता था, बट अब गन्ना की इधर खेती बहुत कम हो गई, लेकिन इधर लखनऊ साइड सीतापुर लखीमपुर खीरी इधर गन्ना बहुत ज़्यादा होता है मुरादाबाद साइड, तो वहाँ से हम लोग गन्ना लगे यहाँ बनारस में बनाते हैं। और हम एकदम मतलब दृढ़ इच्छा करते हैं कि सबको गुड़ तो सब लोग खाता है, लेकिन जो ओरिजिनल खाना चाहता है मैं उसको उपलब्ध कराऊँगा, ऐसा मैं दृढ़ शक्ति बना लिया हूँ, लोगों को खिलाऊँगा। पैसे भी लोगों के पास कमी है, लेकिन क्वालिटी लोगों की कमी है कि लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है सर, तो मैं सोचा कि अब ऐसा ही प्रोडक्ट निकालूंगा। और मेरे यहाँ 90%